ओम शांति। आप सभी को शांति की ग्रीटिंग्स। सब कुछ ऑनलाइन आजकल चल रहा, तो अपना एजुकेशन विंग का कॉन्फ्रेंस भी ऑनलाइन हो रहा है। और आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन पर जो हमारा फोकस है, इसी कारण से, क्योंकि वैल्यूज़ है एक आंतरिक आत्मा के संबंध की बात, तो जितना जितना हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, मानते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उतना ही अपने अंदर जो एजुकेशन का लक्ष्य होना चाहिए, हर एक के जीवन में वैल्यूज़ में प्रगति हो, वो रियलिटी हो सकती। आजकल एजुकेशन तो अनेक प्रकार की है और हर एजुकेशन में मैं मानती हूँ कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। एजुकेशन के बगैर तो कोई आगे व्यक्ति की भी उन्नति नहीं हो सकती, देश की भी उन्नति नहीं हो सकती। परंतु आज के समय में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है। उसमें भी आज मैं टॉपिक उठा रही हूँ कि कैसे आंतरिक शक्ति और रिजिलियंस आत्मा की बढ़ा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। क्योंकि आजकल के जो सर्कमस्टेंसेस है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से विश्व भर का लॉकडाउन हो जाए। कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अचानक ही 3 मास के अंदर विश्व की इकोनॉमी इतनी डाउन हो जाए। तो अब और आगे भी अनसर्टेनिटीज़ का क्या क्या होने वाला है, कुछ मालूम नहीं पड़ सकता। तो यदि आत्मा के अंदर अपनी स्वाभाविक रीति से शक्ति है, कोई उसका आधार एक्सटर्नल रीति से नहीं परंतु इंटरनल वो शक्ति है और साथ साथ रिजिलियंस है, तो फिर आत्मा सदा ही अपने वैल्यूज़ के आधार पर आगे बढ़ सकती, देश में भी अपनी सेवाएं दे सकती, अपने परिवार को भी सुखी बना करके रख सकती। रिजिलियंस शब्द आप हिंदी में खुद ही समझ सकते हैं, परंतु मैं इंग्लिश का ही इसमें प्रयोग करेंगी। परंतु जिस तरह से रबर बैंड होता, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो और वैसे तो कार्य पूरा होने पर वो बाउंस करके वापस अपने ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त कर लेता। परंतु यदि आपने रबर बैंड को उसके कैपेसिटी से अधिक स्ट्रेच कर लिया, तो वो टूट जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, आपका काम रह जाएगा। इसी तरह से आज के संसार के समय हम देखते हैं कि बहुत ही सारी समस्याएं हैं। गवर्नमेंट भी मदद तो करनी चाहती है हर एक को, परंतु वो भी कहाँ तक। अनेक और संस्थाएं भी सहयोग देने चाहते हैं, परंतु फिर भी बाहर की सिचुएशन अनुसार और पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फिर भी अपना आप खुद सोचना होगा कि हम अपने अंदर रिजिलियंस कैसे बढ़ा सके, ताकि बेशक आज हमारे में इतनी कैपेसिटी ना भी हो, परंतु हम उसको आगे बढ़ाते रहें, ताकि यदि समस्याएं और भी बड़े रूप को प्राप्त करती जाए, और हो सकता ऐसे भी होगा, क्योंकि पोस्ट COVID-19 नेक्स्ट स्टेज होंगी इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तो अभी से ही हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं। बिल्कुल वही नज़ारा नज़र आ रहा, उसके बाद और आगे क्या होगा वो हमें मालूम नहीं, परंतु लगता है कि कलयुग की जो घड़ियां चल रही है वो प्रैक्टिकल अभी कलयुग की अंधेरी रात की सीनरियां नज़र आ रही है। तो हम खुद को भी बचा सकें, जो हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन्हों को भी हमारी तरफ से सहयोग मिले, हमारे समाज को भी कुछ फ़ायदा मिले, हमारे देश को भी कुछ प्राप्ति हो, उसमें हमें अपनी रिजिलियंस को बहुत बढ़ाना होगा। वैसे तो साइकोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है कि यदि बचपन में घर के अंदर या स्कूल के अंदर
कोई ऐसे माँ बाप बहन भाई काका चाचा मामा कोई भी हमारी दिल लेने वाला कोई होता, स्कूल में कोई ऐसा अच्छा टीचर होता जो हमारी बात को सुने और बिल्कुल उस बात पर इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कभी ना हो, जिसको अनकंडीशनल सपोर्ट कहा जाए, नॉन जजमेंटल लव कहा जाए। यदि बचपन में इस प्रकार से कोई व्यक्ति होता तो फिर वो व्यक्ति बच्चे को ऐसे मदद करता जो उसके अंदर फाउंडेशन रिजिलियंस का बहुत ज़बरदस्त बन जाता। परंतु न्यूक्लियर फैमिली है बहुत करके आजकल, उसमें माँ बाप कई बारी दोनों काम पर जाना होता है, काका चाचा मामा ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कोई इतने नज़दीक नहीं है, तो स्कूल में भी टीचर्स ओवरवर्क्ड अंडर पेड ये सिचुएशन चल रहा, तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को ऐसे कोई सहारा मिला हुआ हो जिसके द्वारा उन्हों को रिजिलियंस का फाउंडेशन जीवन में बना रहे। तभी आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन में भी कई बच्चों को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी आती है, कई बच्चों को न्यूरोसिस भी होते, कई बच्चों को एडिक्शन के हैबिट्स भी शुरू हो जाती, कई बच्चों को तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता जो वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते। ये आज के समय की बातें हैं। तो ऐसे समय पर अच्छा चलो आज मैं हूँ और मुझे बचपन में इस तरह से कोई पालना नहीं मिली है, तो आज मैं अपने लिए क्या कर सकता? या आज यदि हम पेरेंट्स हैं तो ये ध्यान पर रहे कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसे वातावरण बना करके रखें जिससे उनका रिजिलियंस का फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बन जाए। एक तो मैं कहेंगी कि खुद को पहले एक्सेप्ट करना सीखें। अपना नेगेटिव साइड को भी हम जानते हैं, अपनी पॉजिटिव साइड को भी जानते हैं, दोनों तरफ और दोनों ही बातें हर एक के व्यक्ति के अंदर है। कोई ऐसे आत्मा तो यहाँ इस धरती पर अब तो नहीं है जिसको हम कहें कि देव आत्मा है, जिसमें कुछ नेगेटिविटी ना हो, परंतु कोई कितना बुरा भी है कुछ तो उसके अंदर भी कुछ अच्छाई भी है ज़रूर। परंतु पहले तो मैं यदि अपनी रिजिलियंस कैपेसिटी बढ़ानी चाहती हूँ, मैं अंदर की यात्रा करके मैं अपने दोनों तरफ गुड नॉट सो गुड, पॉजिटिव नॉट सो पॉजिटिव, दोनों प्रकार की बातों को देख करके क्या मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये बहुत ही आवश्यक है। यदि मैंने खुद अपने को स्वीकार नहीं किया है तो बाहर की सिचुएशंस मुझे बिल्कुल हिला लेंगी, या बाहर किसी ने थोड़ा बहुत भी कुछ कहा तो भी आत्मा हिल जाएंगी, परंतु अंदर की वो कैपेसिटी है रिजिलियंस की तो हम इन बातों में हिलेंगे नहीं, हम मजबूत अपनी फाउंडेशन पर स्टेबल रह पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहेंगी कि बेशक बचपन में कोई ऐसा न मिला जिसने अनकंडीशनल लव दिया हुआ हो, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत कंडीशंस डालते हैं, आप ये करोगे तो हम आपको प्यार देंगे, आप ये करोगे तो फिर आपको हम पॉकेट मनी देंगे, आदाद आदाद इस प्रकार के कंडीशंस की संसार, बिजनेस का संसार चल रहा है। परंतु यदि आज हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से खुद को आत्मा मानते और ये मानते कि आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध एक परम पिता परम आत्मा के साथ है, तो जो हमारा संबंध उसके साथ जुट जाता, उस द्वारा जो हमें शक्ति मिलती, जो हमें प्यार प्राप्त होता, वो सदा काल के लिए आत्मा को बहुत ही शक्तिशाली बना लेता, रिजिलियंस कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती।
और ये देखा गया है जब आत्मा के अंदर रिजिलियंस है तो उसके अंदर करुणा भाव भी होता। रिजिलियंस कैपेसिटी नहीं है, खुद को ही हम स्वीकार नहीं कर पाते तो हम दूसरों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। करोना वायरस नहीं है परंतु करुणा, उसके बदले में हम ये सोचें कि कितनी न शुभ क्वालिटी है जिसको हम धारण कर सकें। और करोना वायरस के समय भी यदि हमारे अंदर करुणा होंगी तो हम औरों के साथ भी बहुत ही प्रेम प्यार से सहयोगी बन करके, उनों के ऊपर भी रहम भावना रख करके हर एक को हम कुछ न कुछ मदद कर सकेंगे। तो रिजिलियंस से एक तो हमारा करुणा कंपैशन बढ़ता है, एक्सेप्टेंस एक दूसरे का बढ़ता है और भावना भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि किसके अंदर हम भावना रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो आत्मा की भी उन्नति हो सकती। तो रिजिलियंस से खुद को भी प्राप्ति, परंतु हमारे जो भी साथ में हैं उन्हों को भी अवश्य प्राप्ति हो पाती। और दूसरा, जो आज आत्मा बिल्कुल निर्बल हो चुकी है, आप सोचो कि सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं और हम उसमें जल्दी घबरा जाते हैं। जो पहले का समय था जिसमें आत्माओं को बिल्कुल अटूट विश्वास होता था परमात्मा में, आजकल हम देखते हैं कि प्रश्न बहुत है परमात्मा के प्रति, क्यों, क्या, कैसे, क्या, ये सब बातें तो बहुत आती, परंतु जो वो दिल का प्यार, वो भावना, वो कुछ नज़र कम आती। परंतु उसका भी कारण है, कारण ये कि हम अच्छी तरह से परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। जब हम अपने को शरीर मानते हैं, इस देह के इस फिजिकल लिमिटेशंस में आते हैं, तो हम एक दीवार बना लेते हैं जिसमें हमें परमात्मा के वाइब्रेशंस पहुंच नहीं पाते हैं। परमात्मा हमें सब कुछ देने चाहते हैं, परंतु जो हमने इस देह की दीवार बनाकर रखी है, उस कारण से फिर हमें वो वाइब्रेशंस पहुंच नहीं पाते। तो फर्स्ट स्टेप, अपने को हम आत्मा माने। हाँ, ये शरीर इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा चैरियट है, ये हमारा व्हीकल है, ये हमारा बहुत प्रेशियस वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सब कुछ कर सकते, परंतु आत्मा न होती ये शरीर कुछ कर नहीं पाता। आत्मा शरीर के बिगर भी जीवित है, आत्मा अविनाशी है, परंतु शरीर तो नाशवान है, बिगिनिंग और एंड लिखा हुआ है, बस उस बीच में ये छोटा सा इतिहास होता। तो आत्मा को जानना तब होता जबकि हम अंदर की यात्रा करते और स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा स्टडी करते। मन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, संस्कार क्या है, विवेक क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये सब बातों की जानकारी मनुष्य आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम शरीर के फुल बायोलॉजी को जानते हैं, परंतु आत्मा के बारे में इतना नहीं जानकारी है। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें आत्मा को जानना फर्स्ट स्टेप है। और जिस समय हम आत्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर, और न सिर्फ जानना परंतु उस स्थिति का अभ्यास करना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको मालूम नहीं है कि मेरा नाम क्या है, फिर माँ बाप भाई बहन उसके कान में ये डालते रहते हैं, तुम्हारा नाम है ये, तुम्हारा नाम है ये, तुम्हारा नाम है ये, तो वो रिस्पॉन्ड करने लगता। इसी तरह से दूसरा कोई व्यक्ति हमें याद नहीं दिलाएगा कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, मुझे अपने आप को ही स्मृति में रख करके खुद को याद दिलाना होता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं हूँ देही, आत्मा इस शरीर को चलाने वाली रथवान। तो जब आत्म स्मृति का हम अभ्यास करते हैं और अपने को इस देह से न्यारा
आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहती हैं तो सहज ही हमें परमात्मा, ज्योति स्वरूप, निराकार, शिव भगवान, उनों की पहचान आती और उनों के साथ जो हमारे दिल की तार जुट जाती, मन को हम एकाग्र करते हैं उनों की याद में, जिसको मन मनाभव कहा जाता। तो जिस समय इस तरह से हम अभ्यास करते हैं तो फिर परमात्मा की भी जानकारी सहज होने से वो तार जुट जाती और सर्वशक्तिवान के द्वारा जो शक्ति हमें जीवन में धारण करनी है वो हमें सहज सहज प्राप्त होती। आज के समय आप सोचो कि कितनी बातें हमारे सामने आती है। आजकल फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, पोस्ट ट्रूथ का एरा है, तो उसमें कई बातें सामने आती जिन्हों को हमें समझ में ही नहीं आता ये सच है ये झूठ है। तो परख शक्ति परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती। पहले तो हम अपना बुद्धि को बिल्कुल क्लियर रखें, उसके साथ संबंध जोड़ें, परंतु जो वो शक्ति देता उससे जैसे ज्वेलर को आई ग्लास होता, मैग्नीफाइंग ग्लास होता, वो सच और झूठ हीरे को परख सकता कि व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ फॉल्स। इसी तरह से आत्मा के अंदर जब परमात्मा की याद द्वारा परख शक्ति आती तो आज के संसार में व्हाट इज़ फेक, व्हाट इज़ फॉल्स, व्हाट इज़ ट्रू, हम अपने आप ही उसका निर्णय ले सकते हैं। तो परख शक्ति बहुत ही आवश्यक है खुद के लिए, परंतु साथ साथ अपने परिवार के लिए। आप सोचिए कि आपके परिवार के सामने भी कितनी समस्याएं आती होंगी, परंतु आपकी परख शक्ति द्वारा उन्हें भी मदद प्राप्त हो सकती। और फिर साथ साथ आपका जो कुछ विश्व में कार्य है उस कार्य के लिए भी अच्छी तरह से डिसर्नमेंट कैपेसिटी है, तो आपका कार्य और अधिक सफल हो सकता और ही फायदेमंद हो सकता है सभी के लिए। और परख शक्ति के साथ साथ फिर निर्णय शक्ति, समझ लिया, परंतु नेक्स्ट स्टेप, आज मुझे अब क्या करना है, वो डिसीजन कैपेसिटी भी आज के संसार में हम चाहते हैं कि हमारी डेवलप होती जाए और फिर उसका हम प्रयोग करते जाए जीवन में। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अपने लिए, परिवार के लिए, कार्य के लिए, देश के लिए, जो हम आज डिसीशंस लेंगे, ऐसे नहीं कि कल हम उसको चेंज कर लेवे, कल हम सोचे नहीं ये तो मैंने गलत डिसीशन लिया अभी तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं, अच्छी तरह से परख लिया, शांति में परमात्मा की याद से समझ करके प्रोज एंड कॉन्स को वे करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरनल स्ट्रेंथ, उसका जीवन में हर प्रकार से प्रैक्टिकल हमारे सामने कई बातें आती है जिसमें हमें वो स्पिरिचुअल पावर परमात्मा का होगा तो फिर हमारे जीवन में बहुत फ़ायदा हो सकता। तो मैं ये आशा रखती हूँ कि आप और अपना स्टडी करते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी को, परमात्मा की याद के द्वारा खुद में शक्ति बढ़ते जाएंगे ताकि आपको वो इंटरनल स्ट्रेंथ और रिजिलियंस कैपेसिटी बढ़ता जाए, ताकि आपका हर कार्य सहज सफल होता रहे। अभी हम 3 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में बैठते हैं जिससे आपको वो महसूस हो कि वो किस तरह से शक्ति दे सकता। मैं अपने विचार बताती रहेंगी, आप अपने मन के संकल्प उस अनुसार दोहराते रहना। अंदर की यात्रा करते और अंदर झांक करके जो अपने संकल्प भिन्न भिन्न लहरों में लहरा रहे हैं, उन सब बातों को समेट कर एक शुद्ध संकल्प में
अपने मन को एकाग्र करती। मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा। मैं कौन हूं? मैं हूं ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्मा। मैं कौन हूं? मैं हूं परम पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा ज्योति स्वरूप, निराकार, कल्याणकारी मात पिता। बुद्धि को उसकी याद में एकाग्र करते हैं। देह का भान छूट गया, आत्म स्मृति में परमात्मा के सन्मुख है। परमात्मा द्वारा शांति सागर, शक्तिदाता, पवित्रता का सागर मुझ आत्मा को सागर की लहरों में ये सब कुछ अनुभव होता। शांति के सागर की लहरों से आत्मा शांत स्वरूप, सर्वशक्तिवान शक्ति दाता के नजदीक आने पर आत्मा में शक्ति की किरणें भरती जा रही। पवित्रता के सागर द्वारा आत्मा को पवित्रता की लहरें पहुंच रही, जिससे आत्मा शीतल, शांत, सर्वगुण संपन्न बन जाती। यही संबंध जोड़ कर वापस इसी साकार संसार के क्षेत्र में आते। अभी उस संबंध को ध्यान में रखते, उस शक्ति को साथ लेकर अपने संकल्प, वचन और कर्म करते। ओम शांति।